दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपने अपने फोन में किसी ऐप पर ऐप लॉक लगाया था लेकिन अब आप ऐप लॉक का पासवर्ड भूल गए और आप अपने उस ऐप को ओपन नहीं कर पा रहे हैं, यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने फोन को रीसेट किए बिना आप अपने उस ऐप लॉक को किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, किस तरह से अपनी उस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके भी साथ यही प्रॉब्लम है कि आपने किसी ऐप में ऐप लॉक लगाया था और अब आप उसका पासवर्ड भूल गए हैं, तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है दोस्तों कि अगर हम अपने किसी एप्लीकेशन पर ऐप लॉक लगा देते हैं और उसका पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन रहती है कि हमें अपने फोन को रीसेट करना होता है, यानी कि फैक्ट्री रीसेट करना होता है, फॉर्मेट करना होता है और उसके बाद दोबारा सारी एप्लीकेशन को हमें इंस्टॉल करना होता है और अब तो हमारा ऐप लॉक वहां से रिमूव हो जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोगों को कैसा तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आपको अपने फोन को रीसेट या फॉर्मेट भी नहीं करना पड़ेगा और जिस एप्लीकेशन पे आपने ऐप लॉक लगाया था उसको आप आसानी से यूज भी कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर आपको करना क्या है दोस्तों कि सिंपली आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। अब सेटिंग माने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे की साइड आना है। अब नीचे की साइड आएंगे तो यहां पर आपको एप्स के नाम से एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यह प्रोसेस मैं आपको रेडमी के फोन में बता रहा हूं, अगर आप किसी और कंपनी का फोन यूज करते हैं तो आपको एप्लीकेशन या एप मैनेजर के नाम से भी ऑप्शन मिल सकता है। आपको सिंपली एप्स में चले जाना है। एप्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहां पर आप देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ड्यूल एप्स का, आपको इसको ओपन कर लेना है। हो सकता है कि आप जिस कंपनी का फोन यूज करते हैं उसमें यहाँ पे ड्यूल ऐप की जगह पर क्लोन ऐप का ऑप्शन आपको देखने को मिले, तो आपको ड्यूल ऐप्स या फिर क्लोन ऐप्स का ऑप्शन सर्च कर लेना है। इसके बाद आपको इसको ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपके फोन में जितनी भी एप्लीकेशन है उन सबकी लिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। आपको यहाँ से उस एप्लीकेशन को सर्च कर लेना है जिस पर कि आपने ऐप लॉक लगा रखा है और उसका पासवर्ड आप भूल चुके हैं। कीजिए व्हाट्सअप मेरी बिजनेस वाली देख लीजिए, सपोज कीजिए कि इस पर मैंने पासवर्ड लगा रखा है, यानी कि ऐप लॉक लगा रखा है। तो आपको करना क्या है कि जिस भी एप्लीकेशन पे आपने पासवर्ड लगा रखा है, यानी कि ऐप लॉक लगा रखा है, उसको आप यूज करना चाहते हैं उसके सामने वाले बटन को इस तरह से आपको ऑन करना है। जैसे आप इसको ऑन करेंगे यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग चलेगी, प्रोसेसिंग चलने के बाद यहाँ से आप ब्रेक ले लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। आप देख सकते हैं मेरी व्हाट्सअप बिजनेस आपको देखने को मिल रही है और थोड़ा सा इधर आऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी व्हाट्सअप का एक क्लोन यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि इस क्लोन को आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके यहाँ पे ड्यूल एप्स यहाँ पे बन चुकी है। ओपन करने के बाद अब आपको करना क्या है, एग्री एंड कंटिन्यू करना है। अब जिस भी नंबर से आप अपनी व्हाट्सअप यूज करते थे जिसपे आपने ऐप लॉक लगा दिया है उसी नंबर से आपको यहाँ पे दोबारा से अपनी व्हाट्सअप बना लेनी है। उसको ऐसे रहने दीजिए, इस क्लोन में आप अपने व्हाट्सअप के अकाउंट को लॉगिन कीजिए और अपने अकाउंट को आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने इंस्टाग्राम, फेसबुक जिस किसी भी एप्लीकेशन पे ऐप लॉक लगाया था और अब आप उसका पासवर्ड भूल गए, सिंपली आपको यहाँ से आके उसका इसी तरह से क्लोन तैयार कर लेना है और उसी नंबर से आपको उस अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। इस तरह से आप अपने अकाउंट को वहाँ पर यूज कर सकते हैं और इसके लिए आपको अपने फोन को रीसेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको प्रोसेस ठीक से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक को शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।